ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा आयोजित कोरोना वायरस एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम पनकी इस्पात नगर में आयोजित किया गया, जिसमें ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मंगल सिंह के द्वारा पत्रकार मुकेश यादव सहित कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिनमें मासिक पत्रिका पारस प्रेम के संपादक राजेश यादव, संवाददाता ऋचा अग्निहोत्री और दैनिक अमर स्तंभ अखबार के ब्यूरो चीफ आशु यादव आदि पत्रकार भाई उपस्थित रहे। मुकेश यादव को पुरस्कृत की बात सुनकर पत्रकार भाइयों में खुशी की लहर दौड़ाई। वहीं दैनिक उजाला टाइम्स और इंडियन प्राइम न्यूज के डायरेक्टर विजय यादव ने संवाददाता मुकेश यादव को बधाई दी और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले मैं इस सम्मान समारोह में बहुत दूर दूर से आए लोग, जिनको बहुत रास्ते में तकलीफें हुई परंतु हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे, उन सभी कोरोना फाइटर्स व समाज सेवियों एवं ऑपरेशन विजय से जुड़े हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो दिन रात सामाजिक बुराइयों से लड़ने का काम कर रहे हैं, सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां जो लोग बैठे हुए हैं, ये वास्तविक समाज का जो समाज के अंदर जो बदलाव ला सकते हैं वो लोग हैं। इनमें हमारे मीडिया बंधु वो हैं जो निस्वार्थ, जिनकी आवाज ऐसे दबा दी जाती है इस समय, उसकी आवाज को उठाते हैं। ऐसे हमारे समाज सेवी हैं जिनको समाज में जो असहाय है, न्याय से वंचित है, कमजोर है, उनकी स्वयं हेल्प करते हैं और समाज से हेल्प करवाते हैं। आज हम आपको बताएं कि ऑपरेशन विजय जो ये गैर राजनीतिक अभियान है, इसकी हमने शुरुआत जो की थी, हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर जो सक्षम लोग हैं, जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और हमारे देश के जो समाज के लिए सक्षम सरकारी सिस्टम बने हुए हैं, वो आज पूरी तरह से फेल और निष्क्रिय है। हमारे समाज को इस समय जो हमारे समाज की जो गाड़ी पटरी से उतरी है उसको चढ़ाने के काम की बजाय हमारे सक्षम लोग समाज को झूठा आश्वासन देते हैं कि आप ऐसा करिए, ये समाज की जो गाड़ी पटरी से उतरी है, हमारे पास इतना पावरफुल इंजन है कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं इस गाड़ी को पूरा खींच करके और इसको समय से सही जगह पहुंचा दूंगा। आप बताएं, अगर एक ट्रेन जो है पटरी से उतर जाए तो इंजनों में ताकत है कि उसे मतलब खींच ले? 10 इंजन लगा दे, नहीं खींच सकती। आज हमारे समाज की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है और सक्षम लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज को जात, धर्म, क्षेत्र, इस तरह के भेदभाव में बांटकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जबकि जो समाज को एक ऐसी परिस्थिति से उबारने के लिए जो वास्तविक कार्य है उसको कोई नहीं करना चाहता।